हमारे शॉर्ट एंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के कुछ मैं विशेष इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि पिछले महीनों या 2 महीने से कोई वीडियो इस हाई कोर्ट से संबंधित नहीं गई है, और अब लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि सर वैकेंसी को लेकर के कोई अपडेट दीजिए। और क्योंकि कोई स्पष्ट न्यूज़ थी नहीं, इस कारण से इससे संबंधित कोई न्यूज़ बन नहीं रही थी। लेकिन अभी क्या है, कुछ स्पष्टीकरण वहाँ से मुझे मिला है और ये जानकारी काफ़ी हद तक जो है मुझे सही भी लग रही है, क्योंकि जो स्थिति इस समय हाईकोर्ट में बनी हुई है वर्तमान वैकेंसी को लेकर के, जो कि आरओ एआरओ एपीएस और पीएस को लेकर के है, और सीए वाली वैकेंसी कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी, इसको लेकर के जो उपायों की स्थिति बनी हुई है उससे संबंधित जानकारी ये है कि वर्तमान में प्रमोशन को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है हाईकोर्ट में, कि जो वर्तमान में 2021 वाले गए हुए हैं, हालांकि इनका प्रोबेशन पीरियड अभी चल रहा था, लेकिन फिर भी प्रमोशन को लेकर के पता नहीं कैसे ये विवाद पैदा किए हुए हैं कि हमारा प्रमोशन पहले किया जाए, क्योंकि बाद वाले जो आते हैं वो तो हमसे जो है बाद में आएंगे, वो सीनियर बन जाएंगे। लेकिन इसका स्पष्टीकरण जो है अभी हाईकोर्ट के पास भी नहीं है कि क्या ये विवाद का मामला जो है कहाँ तक पहुँचा हुआ है, क्या ये लास्ट तक जो है सुलझ जाएगा कि नहीं सुलझ जाएगा। और ये वैकेंसी जो आने का जो समय निर्धारित किया गया था वो हर साल की तरह इस साल भी जो है अक्टूबर और नवंबर में रहता है, और ये समय हो चुका है कि ये वैकेंसी अब रिलीज होना हो जानी चाहिए थी, और लगभग 15 से 20 दिन जो है इसका फॉर्म का समय होता है, और लगभग दिसंबर के आसपास जो है इसका एग्ज़ाम करवाया जाता है। लेकिन अभी की स्थिति क्या है कि ये वैकेंसी कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। मैं अगली वर्ष के पूर्णतः जो है अगले वर्ष के विषय में नहीं बात कहूँगा कि अगले साल का मतलब है कि अक्टूबर या नवंबर अगले साल, इतना नहीं, लेकिन यह है कि जैसा सुनने में आ रहा है, जैसी जानकारी मुझे मिली है, और ये अप्रमाणिक जानकारी है, जहाँ से मुझे जानकारी मिली है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, कि वैकेंसी दिसंबर या जनवरी के महीने में ये आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, एक्सीडेंटल समय तो हो ही चुका है, हो सकता है नवंबर में भी मिल सकती है, लेकिन जो अभी प्रमाणिक जानकारी मिली है वो आपको जनवरी और दिसंबर के आसपास ही जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, यही जो है वहाँ की सूचना है। अब समस्या ये है कि सर वैकेंसी कितनी आ रही है, क्या आरओ एआरओ की ज़्यादा आए, आरओ की ज़्यादा आएगी, एआरओ की ज़्यादा आएगी। अगर प्रमोशन को लेकर के है सारा सिस्टम, प्रमोशन यदि हो गया, मतलब यदि एआरओ वालों का प्रमोशन हो गया तो एआरओ ज़्यादा आएगी, भाई प्रमोशन हो जाएगा वो आरओ बन जाएंगे तो एआरओ की वैकेंट हो जाएगी, और जो वर्तमान में है उसको और जो प्रमोशन हो जाएगा उसको इंक्लूड करके एआरओ ज़्यादा हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो आपको आरओ ज़्यादा मिलेगी, एआरओ जो है उसी के लमसम जो है देखने को मिलेगी। अभी देखिए, ये सीटें निर्धारित नहीं की जा रही हैं, सीटें जो है 2-3 महीने पहले निर्धारित की गई थी। अभी कितना ये निकालेंगे, क्या सिस्टम निकालेंगे, सरकार से कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, सरकार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि कितनी कितनी सीटें आपके पास है, और वो पैसों को लेकर के वहाँ कोई दिक्कत नहीं कि हमारे यहाँ जितनी भी संचित निधि से आपको पैसा जाएगा वो पहले से सेंक्शन कर दिए हैं, उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत है अगर कहीं पर तो हाईकोर्ट के अंदर ही है, विभागीय कर्मचारियों के अंदर ही है। अगर ये विभागीय कर्मचारी आपस में जो भी मतभेद पैदा हुआ है प्रमोशन को लेकर के वो अगर सुलझ जा रहा है तो वैकेंसी आपको नवंबर में ही देखने को मिल सकती है। अगर ये प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ी तो ये मान के चलिए कि वैकेंसी आपको जनवरी के सॉरी दिसंबर के लास्ट या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी, और ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो समस्या है थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ही, क्योंकि इस पर विशेष कुछ जो है अभी चल नहीं रहा है, सिर्फ जो है जानकारियाँ एक दूसरे को आदमी साझा कर रहा है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ की है। अच्छा, एपीएस और पीएस के बारे में क्या सिस्टम है? एपीएस भी वैकेंट है आपकी, 100 के आसपास एपीएस वैकेंट है, जो कि प्रॉपर एपीएस है वो। और क्योंकि इसमें क्या है ना कि एपीएस में तो एक जजशिप के अंदर जो आते हैं, एक रजिस्ट्रार के अंदर आते हैं, पहले रजिस्ट्रार के अंदर तो नहीं आते थे, लेकिन इस बार कुछ नया पोस्ट जो है वो सृजित किया गया था, नई पोस्ट जो है वो बनाई गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, तो इस बार जो है रजिस्ट्रार और हाईकोर्ट दोनों को जो है मिला करके एपीएस आएगी। और ये अभी तक की जो सूचना है, अभी तक का जो प्रोफार्मा बना हुआ है वैकेंसी को लेकर के, वो इतना यही मिला हुआ जानकारी। और पीएस को लेकर के जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पीएस के लगभग 148 प्लस सीटें हैं वर्तमान में, वैकेंट जो है 148 प्लस सीटें हैं। अगर इसमें से भी प्रमोशन के द्वारा कुछ खाली हो गई होंगी, हालांकि अभी तो कोई जानकारी मिली नहीं है,
148 सीटों में अगर प्रमोशन के द्वारा कुछ खाली हो गएंगी तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। और अगर ईश्वर अगर चाहेगा तो सामंजस्य अगर सबके बीच में बैठ गया तो निश्चित रूप से आपको पीएस देखने को मिलेगी, और पीएस आपकी 5400 पे स्किल की आएगी, सबसे बड़ी पोस्ट होगी। मतलब आपके आरओ एआरओ एपीएस से बड़ी सबसे बड़ी पोस्ट बन जाएगी आपके पीएस की पोस्ट, जिसकी स्पीड आपकी 120 रखी जाएगी। और इसके बारे में क्या इसका अलग से सिलेबस होगा, कैसे इसका सिस्टम ये एग्जामिनेशन में रखेंगे, क्या ऑफलाइन होगा एग्जाम, क्या ऑनलाइन होगा एग्जाम, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। लेकिन अभी तक जानकारी यही है कि जैसे पिछले साल हुआ था एग्जाम, पैटर्न वही फॉलो करेंगे ये, क्योंकि एनटीए के हाथ में इन्होंने सब कुछ दे रखा है। और एनटीए पर प्रश्न चिन्ह जो है छात्रों के द्वारा लगाया गया था, हाईकोर्ट के द्वारा कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं है, तो उनके हिसाब से तो एनटीए सबसे बेहतर है। और अभी वर्तमान में एग्जाम एनटीए करवा ही रही है, कोई जो है निरस्त संस्था तो है नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर के सारे हाईकोर्ट से एग्जाम जो है एनटीए ले ही रही है। तो संभावना यही है कि एनटीए भी इस साल ही करवाएगी, और यदि एनटीए करवा रही है तो पैटर्न आपको वही ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, और सिलेबस आपका पुराना ही रहने वाला है, अभी तक का सिस्टम यही है। तो यही संभावना है कि इस वर्ष जो वैकेंसी आएगी वो जनवरी के आसपास से मुझे देखने को मिलेगी। और हालांकि तैयारी करिएगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आर आर ओ की या पी एस ए पी एस की, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी कब आएगी इसका ये प्रश्न नहीं, लगातार आप कांस्टेंट यही प्रश्न बना के रखते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। अपनी तैयारी देखिए कि तैयारी कहाँ तक हमारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि हाईकोर्ट से वैकेंसी रिलीज होती है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी नहीं है कि साल साल भर दो दो साल तीन तीन साल लटका के रखेंगे। जुडिशरी से किसी भी हाईकोर्ट से वैकेंसी जब आती है, जब वहाँ के सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं, जब वहाँ की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, उसके तुरंत बाद जो है वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है। तो फिर एग्ज़ाम करवाने में उसको समय भी नहीं लगता, मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर जो है वो एग्ज़ाम करवा लेते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसे वर्तमान में जो स्टेन वाले बच्चे हैं, मैं उनको विशेष तरीके से कहूँगा कि अक्सर देखा गया है कि लगातार जब एग्ज़ाम चालू होते हैं ना, तो कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम होते रहते हैं, और उसमें कई एग्ज़ाम कई जगह जगह के छूटते हैं, तो आपकी तैयारी जो है अगर पहले से रहती है तब तो आप अच्छा फाइट करते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाती तो कहीं का एग्ज़ाम रिटन है, कहीं सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है, कहीं स्किल टेस्ट है, तो आप थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ता लगातार, तो आप कहते हैं कि मेरी तैयारी सर गड़बड़ हो गई, कैसे मैं वहाँ जाऊँ, तैयारी तैयारी का समय नहीं मिला। तो इस कारण से मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी को पहले से ही बरकरार रखें, चाहे आप रिटन की तैयारी करो, चाहे स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा हो। और स्किल टेस्ट वाले बच्चे तो विशेष तरीके से सुन लें कि एग्ज़ाम के समय आपकी मिस्टेक मिनिमाइज नहीं होने वाली है, इसको आपको पहले से मेंटेन करनी पड़ती है कि एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम की डेट आ गई, अब जा करके हम पीएस का एडमिशन लें, अब जाके एबीएस में एडमिशन लें। ये सब आप जब करते हैं ना, तो सारा बर्डन सारा जो है लोड टीचर्स को पर आता है कि सर हमारा जो है सिलेक्शन करवाइए। टीचर नहीं सिलेक्शन करवाता, आपकी मेहनत करवाती है। टीचर तो आपको एक गाइड करता है, आपकी रेगुलरिटी मेंटेन करवाई जाती है किसी संस्थान में, हमारे संस्थान में नहीं, किसी संस्थान में आप जाएंगे सिर्फ आपकी रेगुलरिटी मेंटेन होती है। और आप किसी संस्थान में अगर रेगुलर हैं, कंसिस्टेंस हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ परिणाम जो है सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो अभी से तैयारी करिए, वैकेंसी आपको इस वर्ष संभावना अगर ईश्वर ने चाहा तो अगर आ ही गई, नहीं तो संभावना ही अगले ही वर्ष देखने को मिलेगी। देखो कल तक तो मुझे भी जानकारी थी कि, लेकिन मेरी बात स्पष्ट हुई है, क्लियर हुई है, और हाईकोर्ट के जो प्रमाणिक सदस्य हैं उनसे हुई है। तो हालांकि मैं अभी यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकता उनका नाम, और करना भी उचित मैं नहीं समझता, क्योंकि आपको जानकारी से मतलब होना चाहिए, और यही जानकारी अभी तक हमारे पास उपलब्ध है। और ये भी है कि अभी आप यही पूछेंगे कि सर ग्रुप डी और सी वाली कब आ रही है, अभी ग्रुप डी और सी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप डी और सी की जो पोस्ट आती है स्टेनो की या क्लर्क की या ड्राइवर वगैरह की, अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी जो आएगी आरओ एआरओ एपीएस पीएस, वो भी प्रॉपर हाई कोर्ट की, अभी सिविल कोर्ट की कोई वैकेंसी की सूचना हमारे पास नहीं उपलब्ध है। और ना ही इसके बारे में सोचिए, बस पढ़ाई करिए, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई करिए, तैयारी अपना एकदम अंतिम रूप से जो है उसको फाइनल करके रखिए, बाद में वैकेंसी आएगी तो अपना जो है सब कुछ अप्लाई कर दीजिएगा जैसे आपने पीछे पढ़ाई किया हुआ है। ओके, और जानकारी चाहिए आप टेलीग्राम से जुड़ें, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज सर्च करें, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज के नाम से, या टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उससे बड़ी बात जो है, हमारे ऑनलाइन पेड क्लास जो चलती है, रेगुलर चलती है शाम को, उससे आप जरूर जुड़ जाएँ। इसकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दी गई है, बिल्कुल डिले ना करें, सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, जो थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा रहे हैं
उनका रिजल्ट जो है जरूर आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ जानकारी चाहिए?